ये अरेबियन सूप हमने बनाया है, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा है। तो आप भी बनाएं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम अरेबियन शोरबा बनाएंगे या अरेबियन सूप। उसके लिए हमने 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। इसमें हम 6 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। फ्लेम को हम ऑन करेंगे। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून जीरा जो है, साबुत जीरा, ये हम डालेंगे। ये हमारा शोरबे का या सूप का मसाला है। ये अलग से एक पैकेट में भी मिलता है, घर में भी आपके पास ये सारी चीजें होती हैं, आप ये डाल सकते हैं। सिर्फ ये नहीं होता, ये पत्थर का जो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये आप ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक पैकेट में मिल जाती हैं बाजार से। अब हम इसको इसमें ये सारा कुछ ऐड कर देंगे। लेमन को हम वैसे सूप में डालेंगे, पकने के बाद इसको निकाल देंगे। बाकी चीजें जो हैं ये हम इसमें बंद करके डाल देंगे। अच्छी तरह इसको बंद करके इसमें डालते हैं। बंद हो चुकी है। ये बाजार से जो मार्केट से मिलता है मसाला, आपने इसको 2 टेबलस्पून डालने। वन टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून सिर्फ मिर्च है, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून जो है ये हल्दी है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले, ये ब्लैक लेमन जो है ये अब हम ऐड इसमें कर देंगे। इसके साथ ही हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन हमने 700 ग्राम दी है। ये 1 टेबल स्पून जो है टोमेटो पेस्ट है। 1 कप हमने वाइट ओट्स का लिया है, जिसको दलिया कहते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये हमारा अच्छी तरह चिकन और ओट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें ज्यादा ऐड करना, ताकि ये अच्छी तरह इसमें पक जाए। और ये जो मसाले हमने इसमें बंद किए थे, ये भी अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें, और इसको ढक कर रख देते हैं। पाँच मिनट और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तीन मिनट और हम पकाएंगे, फिर शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनको रिमूव कर देंगे। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देंगे, और इस लेमन को भी, और इसको ठंडा होने पर डिश आउट करेंगे। अब हम डिश आउट करेंगे। ये हमारा अरेबियन सूप तैयार है। देखें कितना अच्छा बना है। आप भी बनाइए और इफ्तारी कीजिए। ये देखें, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा।